ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुएं से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, कुआं एक ऐसा पक्षी है जिन्हें अक्सर बदसूरती से संबोधित किया जाता है, लेकिन ये पक्षी बहुत ही समझदार होते हैं जो अपने आसपास के वातावरण को आसानी से अपना लेते हैं। लेकिन इनकी आवाज़ हमें सुहाती नहीं है और अक्सर जो लोग अच्छे सुर और ताल से नहीं गा पाते हैं उनकी तुलना कुएं से की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कुएं से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जिन्हें जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, करीबन 40 तरह के कुएं होते हैं और हर प्रकार के आकार अलग अलग होते हैं। रेवन एक प्रकार का कौवा है दोस्तों, जो साधारण कौवे से बड़ा होता है। इनकी आवाज़ भी ज़्यादा कर्कश होती है और चोंच ज़्यादा भारी होती है। कौवे दुनिया के हर जगह पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। इन्हें रहने के लिए खुली जगह पसंद है जहाँ बहुत सारे पेड़ हों। दोस्तों, जैसे पहले बताया गया कि कुआं बहुत ही समझदार होता है, इन्हें उनके बढ़िया तरीके से संपर्क कर पाने के गुण के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं रिसर्च की तो रिसर्च कहता है कि कुएं अगर एक बार एक चेहरे को देख लेते हैं तो उसे आसानी से नहीं भूल पाते हैं। कुएं अक्सर दोस्तों अकेला रहना पसंद करते हैं। जब एक कुआं मर जाता है तो अन्य दूसरे कुएं उसका शोक मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। शोक मनाने के साथ साथ वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मौत की वजह क्या है। कई कुएं एक जगह से दूसरी जगह उड़ते ही रहते हैं, लेकिन अन्य कुएं सिर्फ जरूरत पड़ने पर दूसरे गर्म जगह की तरफ उड़ जाते हैं। कुएं पौधे खराब कर देते हैं, लेकिन ये अन्य मकोड़ों से भी पौधों की सुरक्षा करते हैं। मरे हुए जानवरों को और रास्ते पर पड़े कचरे को कुएं अक्सर साफ कर देते हैं। कुएं कुछ भी खा लेते हैं, वे न तो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और ना ही पूरी तरह से दोस्तों मांसाहारी होते हैं। ये अक्सर उन्हीं जगहों के आसपास रहते हैं जहां उनका जन्म होता है। यहां रहकर वे अन्य छोटे कुएं की देखभाल करते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं। एक कुआं करीबन 4 अंडे देता है। कुआं लगभग 14 साल तक जीवित रहता है। कुआं अभी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये अच्छी बात है कि इन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है। कुआं अलग अलग धार्मिक बातों से और प्रथाओं से जुड़े होते हैं। कुएं को चालू प्रवृत्ति का कहा जाता है। कई लोग कुएं को एक शगुन मानते हैं, लेकिन अन्य दूसरे उन्हें एक अपशगुन भी मानते हैं। दोस्तों, कुएं पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ रहते हैं। कुएं में बदले की भावना बहुत देर तक रहती है। अगर उन्हें किसी इंसान से खतरा महसूस होता है तो वे दूसरे कुओं के अच्छी तरह से आगाह कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुएं से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों।